हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिसशिप करने के कौन कौन से बड़े फायदे हैं, अप्रेंटिसशिप करने के बाद कौन सी हाईली पोस्ट तक हमें जॉब गेट हो सकती है, और अप्रेंटिसशिप के अलावा हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है जिन्हें करके हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। मैं जॉब और ट्रेनिंग से रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वो ऑप्शंस की बात कर रहे थे, तो वो ऑप्शंस फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। जो बेटर ऑप्शन है वो है गवर्नमेंट की जॉब। कोई बंदा गवर्नमेंट की ओर ही आज की जो मेंटेलिटी है वो भागती है, तो है गवर्नमेंट की जॉब। गवर्नमेंट की जॉब एक बेटर ऑप्शन है जहाँ पर आपको फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। यहाँ पर ना अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत है ना कुछ, आपको कहीं पर भी कुछ ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। बस आप थ्योरेटिकली प्रिपरेशन कीजिए और गवर्नमेंट के रेलवे में वैकेंसी आती है, वेरियस टाइप्स के नवरत्न महारत्न कंपनियों में वैकेंसी आती है, आप वहाँ पर डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए तो आपका वहां से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आपने टेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो ठीक है। तो एक पहला होगा ऑप्शन गवर्नमेंट का, जो कि 1-2% लोग ही गेट कर पाते हैं। जो बचते हैं 99% या 98% लोग, तो वो क्या करेंगे, तो उनको आना पड़ता है प्राइवेट जॉब की ओर ही। तो यदि आप प्राइवेट जॉब पे आना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग बहुत कंपलसरी, यदि आपके पास ट्रेनिंग है तो आपको एक बेटर पोस्ट की जॉब मिलती है और आप बेटर सैलरी गेट कर पाते हो। यदि आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो फिर आपको कंपनी रखने में भी हिचकिचाती है। हालांकि आईटी वालों के लिए वैकेंसी बहुत है और ये ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं, आप जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। अब कंपनी गेट में चले जाइए, कंपनी ऑनलाइन आप देख लीजिए कोई भी वेबसाइट खोल के, ठीक है ना, कोई भी कंपनी की वेबसाइट खोल लीजिए, देख लीजिए कैरियर में जाके, तो वहां से आपको आईटी से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी ओपन हुई दिखाई देंगी। बट यदि आपने ट्रेनिंग नहीं कर रखी है तो फिर वो आप कंपनी सबसे पहले वो ट्रेनिंग में ही रखेगी। बट यदि नहीं मिल रही और आपने किसी लोकेशन पे पर्टिकुलर पहुंच गए, वहां पे आपको जॉब नहीं मिल रहा और चाहते हैं कि हम इसी लोकेशन में रह के जॉब करना है मुझे, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप रहिए और वहां पे जॉब सर्च करिए कंपनियों में। और यदि आपको प्रेजेंट में जॉब चाहिए तो आपके लास्ट ऑप्शन जो होता है किसी भी बंदे के लिए, जो भी बंदा वहां जॉब करने के लिए जाता है, वो है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब कर लेता है तो उसके पास एक सर्वाइवल का जो पैसा, जो उसका अर्निंग है, तो आता रहेगा, तो उसका खर्चा चलता रहेगा। और फिर क्या होता है, वो जॉब सर्च करता रहे, अपना जॉब सर्च करते करते उसे हो सकता है अप्रेंटिसशिप मिल जाए, और मिल ही जाती है। यदि आप जॉब के हिसाब से गए हो, वहाँ पे रुक गए हो, स्टेबल हो गए हो, तो आप 100% चांसेस हैं कि आपको अगर गेट में भाग रहे हो तो अप्रेंटिसशिप मिल ही जाएगी, चाहे कि भी हो किसी भी कंपनी में हो, मेंटेनेंस में हो, क्वालिटी में हो, प्रोडक्शन में हो। कंपनी के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं, मैंने डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, पोस्ट कौन कौन सी हैं, सब पर वीडियो बना दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाके जॉब एंड ट्रेनिंग अपडेट्स पर विजिट कर सकते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जब किसी भी कंपनी में अप्रेंटिसशिप आपको मिल जाएगी, या फिर अप्रेंटिसशिप नहीं मिलती है तो आपको नीम ट्रेनिंग मिलेगी। नीम ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप में से अप्रेंटिसशिप बेटर है, क्योंकि इसमें आपको कंपनी का जो है ना, तो लेटर पैड मिलता है बकायदे आपको एक्सपीरियंस के रूप में। और नीम ट्रेनिंग करते हो तो गवर्नमेंट का मिलता है लेटर पैड, बट उसमें कंपनी के सील साइन लगे होते हैं। हालांकि दोनों वैलिड हैं और दोनों की मान्यता है। यदि आप कंपनी से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो उससे आपको बेटर जॉब गेट करने में सहूलियत होती है। हालांकि आप नीम ट्रेनिंग भी कंपनी से कर लेते हो तो उससे भी बेटर जॉब गेट कर पाओगे। तो अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको दोबारा अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नीम ट्रेनिंग कर लेते हैं तो हो सकता है कि आप दूसरी कंपनी में जाओ तो आपको अप्रेंटिसशिप में रख दे, लेकिन अप्रेंटिसशिप करके जाओगे तो आपको एक पोस्ट की जॉब दे दी जाएगी, यानी सुपरवाइजर क्वालिटी में, क्वालिटी इंचार्ज किसी भी पोस्ट को दे दी जाएगी, और आप वहाँ पर अपनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करने लग जाएंगे। और वहाँ पर क्या होगा कि आपको इनकम भी आपकी अच्छी खासी होनी चालू हो जाएगी। अदरवाइज आप नीम ट्रेनिंग करके जाते हो तो हो सकता है कंपनी, जो एमएनसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, वो अप्रेंटिसशिप में रख दे आपको, और आपको फिर से ट्रेनिंग बेस में आपको सैलरी मिले, या फिर उसके बाद आपको परमानेंट या ऑन रोल जॉब मिले। तो आप अप्रेंटिसशिप को पहले चूज करिए, यदि आपके पास ऑप्शन मिल रहा है, आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, तो अदर नहीं मिल रहा तो फिर नीम ट्रेनिंग। अगर वो भी नहीं है, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब कर लीजिए और सर्च करते रहिए जॉब। तो आपके पास चार ऑप्शन होते हैं, गवर्नमेंट की जॉब, और सेकेंड है अप्रेंटिसशिप, थर्ड है नीम ट्रेनिंग, फोर्थ है कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब। तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब जब है, जब कुछ भी तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तब हम कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब कर सकते हैं। यदि हमारे पास अवेलेबल है तो हम नेम ट्रेनिंग कर लें, अगर उससे भी अच्छा अवेलेबल तो अवेलेबल हमें मिल रहा है तो अप्रेंटिसशिप कर लें। अगर उसको भी नहीं करना, गवर्नमेंट का टारगेट है, गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर लें। हालांकि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए किसी भी तरह की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत नहीं है, नेम ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास है तो उसमें भी कोई घाटा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब निकलती रहती है, एक्सपीरियंस बेस में बहुत सारी वैकेंसी ओपन होती रहती है। यदि आप एक्सपीरियंस है आपके पास, तो फिर आप एक्सपीरियंस बेस वाले में वैकेंसी में भर दीजिए।
यानी जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड वैकेंसी ओपन होती हैं तो उसमें भर दीजिए, तो आपको वहाँ पे एक बेटर पोस्ट की जॉब मिल जाएगी, एक बेटर सैलरी मिल जाएगी। यदि आपने एक्सपीरियंस लगा रखा है, एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको फ्रेशर बेस में सैलरी मिलेगी, आप फ्रेशर बेस में जाओगे। तो फ्रेंड यदि यही मेरा कहना है कि आप पहले गवर्नमेंट की जॉब को आप टारगेट है तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करिए, वहाँ पर ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप करने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास नहीं ऑप्शन तो अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, तो प्राइवेट में आपको कल को फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आपको बेटर जॉब गेट कर पाएंगे। और आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन सी पोस्ट है, तो क्वालिटी प्रोडक्शन मेंटेनेंस जो मेनली है, फिर उसके बाद भी बहुत सारे हैं, प्लानिंग डिजाइनिंग कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं R&D। और इसके अलावा भी आप यहाँ पे प्राइवेट कंपनी यदि ज्वाइन करते हैं तो अप्रेंटिसशिप में ही आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से डिपार्टमेंट है, कौन कौन से पोस्ट हैं, और जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट से आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको उसी डिपार्टमेंट में आपकी ग्रोथ होती रहेगी और आगे आप बढ़ते रहोगे। तो आप नीम ट्रेनिंग भी करते हो तो अगर छोटी एमएनसी कंपनी में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट पोस्ट की जॉब दे दी जाए, अदरवाइज वो ट्रेनिंग में अप्रेंटिसशिप में रख देते हैं। तो आप अप्रेंटिसशिप को ही पहले चूज करिए, अदरवाइज अप्रेंटिसशिप नहीं मिल रहा तो आप नीम ट्रेनिंग को चूज करिए, वो भी नहीं मिल रहा तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब तो फिर है ही है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट में अब बंद हो रही है, बहुत सारी कंपनियों में कॉन्ट्रैक्चुअल बेस सिस्टम बंद हो रहा है, लेकिन हालांकि अभी भी चालू है और चालू रहेगा क्योंकि नीम ट्रेनिंग को जगह मिल गई है, नीम ट्रेनिंग भी आ गई है। हालांकि नीम ट्रेनिंग का फायदा यही है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको जो है तो ट्रेनिंग मिलती है, लर्न एंड अर्न प्रोसेस, यहाँ पे आपको काम कराया जाता है, सिखाया जाता है। और हो सकता है कुछ कंपनियां ना सिखाती हो, काम बस लेती हो, बट बहुत सारी कंपनियां जो है तो इसका पूरा रूल्स का फॉलो करती है, लर्न एंड अर्न प्रोसेस है, जहां पर आपको काम सिखाया जाएगा, काम बताया जाएगा और काम कराया भी जाएगा, और एक आध घंटे की कोर्स, मतलब एक आध घंटे का आपका जो है तो ट्यूशन भी दिया जाएगा उससे रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड। तो आप नीम ट्रेनिंग का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। और अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको पूरा पूरा ट्रेनिंग ही दिया जाएगा, पूरा पूरा सिखाया जाएगा, थोड़ी बहुत आपको हो सकता है काम में हाथ लगाना पड़े, काम कुछ करना पड़े, अदरवाइज आपको पूरा काम यहाँ पे सिखाया जाता है। तो आप गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिलती तो आप अप्रेंटिसशिप कर लीजिए या फिर नीम ट्रेनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस में, तो ऐसा है आज काम करो उसका पैसा मिलेगा, काम करो पैसा मिलेगा, बस कोई सीखने सिखाने वाली बात नहीं है, तो आप यहाँ पे सीख नहीं पाओगे। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब करोगे तो सीख नहीं पाओगे ज्यादा, और नीम ट्रेनिंग कर लेते हो, अप्रेंटिसशिप कर लेते हो तो आपको सीखने को मिलता है, दूसरी कंपनी में जाओगे तो अपना फ्यूचर, एक बेटर फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे। तो आप जब दूसरी कंपनी में जाते हो फ्रेंड तो आपको सीखने को मिल जाएगा यहाँ से, तो आपको सीखे सिखाए रहोगे तो आप इंटरव्यू बेटर परफॉर्मेंस दोगे और एक बेटर जॉब गेट कर पाओगे। तो आप सुपरवाइजर यहाँ तक कि आप HOD तक बन सकते हो यदि आपने ITI कर रखा है, और पोस्ट के मामले में बात करें तो अप्रेंटिसशिप करने के बाद किसी भी कंपनी में धीरे धीरे, एक दिन में HOD तो नहीं बनता कोई भी, बट यदि आप लगातार 5-10 साल करते हो काम तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हो छोटे कंपनी में, हालांकि बड़ी कंपनी में फोरमैन या फिर असिस्टेंट तक बना दिया जाता है, अदरवाइज के आगे तो नहीं देखने को मिलता कि कहीं बनाया जाता है। और बहुत से लोग तो ऑपरेटिंग करते हुए ही समय निकल जाता है उनका, ऑपरेटिंग करते रहते क्योंकि उनके अंदर कोई स्किल होती नहीं कंपनी उनको भी आगे प्रमोट करे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा काम को सीखने में फोकस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम को फोकस करिए कि आप सीख पाएँ, ताकि वहाँ से आप जब सीखोगे तभी आपको एक बेटर जॉब मिल पाएगी। थैंक यू फ्रेंड मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, यदि आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करो।